रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले। युद्ध के शुरुआती दौर में जहां दोनों के बीच मुकाबले की जंग थी और कुछ मामलों में तो यूक्रेन रूस पर भारी भी पड़ा, लेकिन समय बीतने के साथ यूक्रेन के हथियार और गोला बारूद खत्म होने लगे और उसे अपना बचाव करना भी मुश्किल लगने लगा। हालांकि अब एक बार फिर यूक्रेन को 61 अरब डॉलर की अमेरिकी मदद मिल गई है, इससे युद्ध फिर से रोचक हो सकता है। रूसी राष्ट्रपति और अन्य रूसी अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन को मिलने वाले अमेरिकी पैकेज से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। उनके मुताबिक यूक्रेन रूस को अभी भी हरा नहीं पाएगा। रूस की इस बात में दम इसलिए भी लगता है कि कुछ अमेरिकी अधिकारी और सांसद भी लगभग रूसी भाषा बोल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि सहायता पैकेज से अंतर आएगा, लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ये मदद यूक्रेन के लिए कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी गई 60 अरब डॉलर की मदद के बाद भी बाइडेन प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने संदेह जताया है कि रूस से युद्ध जीतने के लिए ये मदद पर्याप्त नहीं है। यूक्रेन के सामने एक बड़ी मुश्किल और भी है कि उसके पास सैनिकों की भारी कमी है। अमेरिकी पैकेज के बाद उसे हथियार और गोला बारूद की सप्लाई तो शुरू हो गई है, लेकिन सैनिक कहां से आएंगे? हालांकि अधिक लोगों को सेना में शामिल किया जा सके इसके लिए यूक्रेन ने अप्रैल में सेना भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 27 से घटाकर 25 कर दी है। इससे और भी अधिक लोग सेना में भर्ती के लिए पात्र हो गए हैं। इसके अलावा इसी हफ्ते यूक्रेन ने सेना की उम्र वाले यूक्रेनी पुरुषों को विदेश में नए पासपोर्ट जारी करना भी बंद कर दिया, जिससे कि उन्हें घर लौटने और युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका अपनी रणनीतियों पर भी काम कर रहा है। उसका पहला लक्ष्य यूक्रेन की हार को रोकना और युद्ध के मैदान का रुख मोड़ना है। उसके बाद रूस द्वारा कब्जाए गए यूक्रेनी इलाकों को वापस पाने में मदद करना लक्ष्य है। विश्लेषकों की माने तो यूक्रेन को यदि समय से अमेरिकी मदद मिल जाती तो उसकी हालत इतनी बुरी नहीं होती और रूस उसके महत्वपूर्ण इलाकों पर इतनी आसानी से कब्जा नहीं कर पाता। जानकारों का कहना है कि हथियारों और सैनिकों की कमी और रूस द्वारा किए गए चौतरफा हमलों को झेलने के बाद भी यूक्रेन का न हारना ये संकेत देता है कि यूक्रेन अपनी पकड़ बनाए रखते हुए आगे बढ़ सकता है, लेकिन रूस ने उससे जो छीन लिया है उसे वापस हासिल करना यूक्रेन के लिए मुश्किल होगा। हालांकि अमेरिका यूक्रेन की मदद भले कर रहा है, लेकिन बाइडेन प्रशासन का कहना है कि युद्ध कैसे समाप्त होगा। रूसी सेना को सीमा पार से पीछे धकेलना हो या समझौता करना हो, यह सब यूक्रेन ही तय करेगा। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनके देशों को तब तक लड़ना चाहिए जब तक उसके महत्वपूर्ण क्षेत्र क्रिमिया प्रायद्वीप, पूर्वी डोनबास क्षेत्र और देश के अन्य हिस्से उसके नियंत्रण में नहीं आ जाते।